हवा का इलेक्शन था, लेकिन इस बार हवा का रुख अपनी ओर करना होगा और इसमें कितना दम लगता है शायद 4 साल में बीजेपी समझ चुकी है। चुनावी बिगुल बजने में अब उंगलियों पर गिने जा सके सिर्फ इतने महीने बचे हैं, ये बात प्रधानमंत्री भी समझते हैं। 9 अक्टूबर को वे शापला में सर छोटूराम जी की प्रतिमा का अनावरण करने गए तो अगले महीने फिर से उनके कार्यक्रम की तैयारियां पार्टी ने शुरू कर दी है, मतलब कमर कस ली गई है। देश की सीमा पे रक्षाकरण में सबसे घने जवान, देश की करोड़ों आबादी का पेट भरण में सबसे आगे किसान और खेला में सबसे ज्यादा मेडल जीतान आले खिलाड़ी देने वाली हरियाणा की धरती ने मैं प्रणाम करता हूं। देश का नाम स्वाभिमान बढ़ान में सबसे आगे रहन में हरियाणवियों का कोई मुकाबला नहीं से। हरियाणवियों को हरियाणवी से मोहना मोदी से अच्छा कौन जान सकता है, और फिर ये तो मौका भी सर छोटूराम की प्रतिमा के अनावरण का था, और इस जगह को तो वैसे भी प्योर जाटलैंड ही कहा जाता है, मतलब 9 अक्टूबर को हुए इस कार्यक्रम को सीधे रूप से 2019 की तैयारियों की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है, वो भी जाटलैंड से, जहां शायद बीजेपी 2014 के मुकाबले कुछ और मजबूत होना चाहती है। जनसभा के दौरान मोदी ने जाट और गैर जाट दोनों को साधने की कोशिश की, वे पिछली सरकारों पर भी इशारों इशारों में निशाना साधते रहे, और जाटलैंड में पीएम की ओर से सीएम मनोहर लाल खट्टर की तारीफ का मतलब भी आपको अच्छे से समझना होगा। अब सीएम को बेहतर बताया है तो साबित भी करना होता है, ये भी मोदी जी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए पिछली सरकारों को कैसे निशाने पर लिया सुन लीजिए। किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, मौसम की मार से किसानों को सुरक्षा कवच मिले, आधुनिक बीज मिले, पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिले, सिंचाई की उचित व्यवस्था मिले, मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे, इस पर निरंतर काम किया जा रहा। मुझे प्रसन्नता है कि इसका लाभ हरियाणा को भी मिल रहा है। राज्य के करीब करीब 50 लाख किसान परिवारों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिले हैं, करीब 6.5 लाख किसान फसल बीमा से जुड़े हैं, जिनको 350 करोड़ से अधिक की क्लेम राशि भी मिल चुकी है। जहां बीते 30-40 वर्षों तक पानी नहीं पहुंचा, वहां आज पानी पहुंचाया जा रहा है। हाल में लखवार बांध के लिए 6 राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है, इससे भी हरियाणा को बहुत लाभ होने वाला है। दरअसल बीजेपी ये बात शायद अच्छे से समझ चुकी है कि सूबे में सिर्फ गैर जाट वोट से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए उसे बार बार जाटलैंड की याद आती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी बीते साल यहां 3 दिन के प्रवास पर थे, और क्या नेता और क्या कार्यकर्ता सभी को पार्टी की मजबूती का मंत्र बताकर गए थे, और हाँ वो दलित के घर खाना भी तो खाकर गए थे। वैसे लोकसभा चुनाव में दिन ही कितने रह गए हैं, पिछली बार मोदी लहर में पार्टी ने 10 में से 7 सीटों पर कब्जा किया था, इस बार भी बीजेपी कम से कम इससे नीचे तो नहीं आना चाहेगी। वो बात अलग है कि इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ और सोनीपत से पार्टी के मौजूदा सांसद विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, इसके अलावा राजकुमार सैनी अलग हो गए हैं, साथ ही इस बात की भी पूरी संभावना है कि बची हुई सीटों में से कम 2 या 3 पर चेहरे बदले जाएंगे। इसके अलावा रोहतक, हिसार और सिरसा को लेकर एक्स्ट्रा जोर भी तो लगाना है, मतलब मोदी के लिए 1 महीने भीतर 2 दौरे तो बनते हैं।
और उनका हरियाणवी बोलना भी जरूरी हो जाता है। मारे दिन बंधु छोटो राम की मूर्ति थमने सौंपण आया सू, इस तय बड़ा मेरे खातर खुशी का कौन सा दिन हो सके हो। मोदी का रोहतक से ही नहीं बल्कि हरियाणा से पुराना रिश्ता रहा है। इतना तो कहा जा सकता है कि वे यहाँ के लोगों की नब्ज पहचानते हैं, इसीलिए उन्होंने दीन बंधु सर छोटूराम की तुलना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर से की है। सियासत दिस वीक डेस्क।